इंशाल्लाह तुम लोगों पे अल्लाह का अजाब आएगा। तुम लोगों ने इंतहा कर दी, इंतहा। इतना घटिया इल्जाम सलमा के टॉपिक को दबाने के लिए अब न्यू फसाद शुरू कर दिया इन लोगों ने। मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उस पे भी घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे यहाँ तलाक का ऑप्शन क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि एक औरत और मर्द की अगर नहीं बनती वो तलाक ले लेती है, अपनी पसंदीदा लाइफ गुजारती है। अगर सितारा इतनी गलत थी तो उसने साजिद को क्यों नहीं छोड़ा? वो क्यों मुश्किल हालात में रही अपने हस्बैंड के साथ? रुबीना ने भी ली तलाक, नैना ने भी ली, ये भी ले सकती थी। शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान को बदनाम मत करो, इस्लाम को बदनाम मत करो चंद पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। जी जनाब, आज बहुत ज़्यादा दिल दुखा, बहुत ज़्यादा। ये हमें पहले से पता था, किसी लाइव में ये बात चल रही थी कि कल परसों जो है कुछ चीज़ें लीक की जाएंगी, तो पहले किसी और चैनल से हम करवाएंगे, बाद में अपने चैनल पर लेके आएंगे। तो डूब मरो, अल्लाह से डरो अगर मुस्लिम हो तो। बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया गया सितारा यासीन के, अब बच्चों पे बात आना शुरू हो गई है। आज नहीं, ये पहले तायबा के लिए भी बोलते थे और फिर मुस्तफ़ा के लिए बोले, अब जो है छोटी बच्ची आयत जो है उसके बारे में बकवास कर रहे हैं ये हेटर्स। इन्होंने सारी ज़िंदगी जैसे कि जीना है। फिरौन भी मर गया था जो कहता था मैं खुदा हूँ, और वो डूब के मर गया था, और आज भी उसकी मम्मी जो है यहाँ पर पड़ी है, जो लोग जाके देखते भी हैं, पिक्चर भी बनाते हैं। तो बात यह है कि मरना है, मरना है। हमने क्यों भूल गए हो कि मरना है? ठीक है ना, मरने को भूल गए हो तुम लोग। इन लोगों को अपने हमसाइयों में, अपने घरों में नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे व्यूज़ नहीं मिलते। वहाँ की अगर बात उछालेंगे तो वहाँ पे व्यूज़ नहीं आएंगे। इन्होंने सितारा यासीन के जो है इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि भाई बस हमने अगर चैनल ग्रो करना है तो उसी की वजह से ही करना है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंशाल्लाह बर्बाद तो हो जाओगे तुम लोग। मुझे जो है, मैं कभी भी नहीं ये सोच सकती थी कि ये कपल जो है, जो डबल ढोल की कपल है, ये भी इस तरह की हरकत करेंगे। मुझे बहुत दुख लगा इनकी जब मैंने ये पोस्ट देखी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरा दिल रो रहा था। मैंने कहा यार लोग इस तरह कैसे गिर सकते हैं? सितारा यासीन की बेटी आयत की इजाज शाह के साथ पिक्चर लीक, वीडियो लीक, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने थंबनेल लगाए हुए और लिखा हुआ, मेरा दम घुट रहा था देख के। तुम लोगों ने सलमा के झूठ को दबाने के लिए ये नया नाटक शुरू किया है। कोई अल्फाज नहीं, समझ नहीं आ रही इन लोगों को क्या कहा जाए। अल्लाह का अजाब हो तुम लोगों पे। सही कहती है सितारा, मैंने अपने रब पे छोड़ा है, मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा है, मैं किस किस की जबान बंद करवाऊं, किस किस को चुप करवाऊं? बच्चों को तो छोड़ दो यार। आप लोग लेके आओगे अपने डीएनए टेस्ट वगैरह और उनके बच्चों को बताओगे कि ये किसकी शक्ल है, ये किसकी शक्ल है, इसकी शक्ल उससे मिलती है, उससे मिलती है? मतलब कि कुछ भी यार, उसे फाशा औरत से भी बदतर तुम लोगों ने बना दिया है। तुम लोगों को यह भी पता है कि फाशा औरत कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रहती, तलाके लेती है वो, और इसकी शादी को 14 साल हो गए हैं एक साथ रहते हुए। और उस बगैरत जाली प्रोफेसर के काम देखो, बार बार अजीबोगरीब कम्युनिटी लगाता है साजिद के बारे में और कहता है मकसद क्या है जीने का, तुम्हारा क्या मकसद है, डूब के मर जाओ बगैर। तो
एक खानदान एक फैमिली के पीछे पड़ गए हो तुम लोग, हाथ धो के बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हो जिसको दुनिया का नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता उसे बच्ची को। फरिश्ते हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो? फितना परस्त लोगों, एक ही औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गए। दलाली लोग, दज्जाली लोग, हरामी लोग, तुम लोग पारसा लोग हो, कौन हो तुम लोग? तुम वही औरतें हो ना जो 24 घंटे वाईटी पे रहती हो और पता नहीं बाहर क्या क्या करती हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ठीक है, तुम लोग रिएक्शन दे रहे थे, हेट फैला रहे थे, सितारा की हद तक भी चलो ठीक है, मान लेते हैं यार। तुम लोगों ने सीधा सीधा एक बच्ची का बाप बदल दिया। लेके आओ, चैलेंज देती हूं मैं तुम लोगों को, लेके आओ। ये वो औरतें हैं जिन्होंने 10-10 यार रखे हुए हैं और पता नहीं इनके बच्चे किन किन में से हैं। आओ फिर लेके आओ अपने बच्चों का डीएनए, लेके आओ यहां पे तस्वीरें भी लगाओ मां बाप की विद बच्चों की। तुम लोगों का पानी और दूध का दूध हो जाना है, सारा पता चल जाना है। रामियो शर्म करो, बच्ची को तो छोड़ दो यार, बच्ची को छोड़ दो। सलमा का टॉपिक तुम लोगों से संभाला नहीं गया, चला नहीं गया तुम लोगों से। उसको दबाने के लिए नया शोशा, नया फितना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह का अजाब हो ऐसे लोगों पे जो किसी एक बंदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। ये लोग, उनकी आह लगेगी तुम लोगों को। तुम लोग कौन हो सजा देने वाले, या तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि सितारा यासी जो है वो पारसा है या किस किस्म की है? अपने गिरेबानों में देखो, अपनी बहन बेटियों को देखो। तुम लोग हम पे भी बातें कर रहे हो, झूठ गढ़ रहे हो, फिर भी हम चुप हैं। बच्ची के ऊपर बात कर दी, नया फितना। 15 दिन एक औरत पे बात ये करते हैं, 16वें दिन जो है नई बात लेके आ जाते हैं। सितारा यासीन के सब्र से डरो। अल्लाह के आगे रो दी ना, तुम लोगों का कख नहीं बचना, कख नहीं बचना यार। गलतियां इंसानों से होती हैं, बार बार कह रहे हैं। 3 साल की बच्ची और ये लोग उसका बाप बदल रहे हैं यार। आप लोगों का हस्बैंड, आपका अगर बच्चा हराम का होगा, सीधे लफ्जों में बात करती हूँ मैं घुमा फिरा के नहीं करती। आपका अगर बच्चा हराम का होगा तो आपका हस्बैंड जो है उसे प्यार करेगा? कभी भी नहीं, इग्नोर करेगा, इग्नोर करेगा। और साजिद की वो जान है बच्ची, बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं लेकिन वो बच्ची जान है उसकी। जब वो सऊदी अरब गई थी याद होगा, बार बार पापा पापा करती थी और वीडियो कॉल छोड़ ही नहीं रही थी। खुदा का खौफ कहो यार, जिसको भी तुम खुदा मानते हो उसका तुम लोगों को वास्ता है यार। बच्चों को छोड़ दो यार, ये कौन सा टॉपिक है? तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान को इतना बदनाम कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? एक मासूम बच्ची जिसको दुनियादारी का नहीं पता है, वो बड़ी होगी वो कितना ये वीडियोस रह जानी है यहाँ पे। तुम लोगों को अगर मौत आई ना, क्या हिसाब दोगे अपने रब को कि हमने क्या क्या झूठ बोले, फसाद बोले? मैं तौबा करती हूँ अपने रब से, मेरे से अगर कोई इस तरह से बात निकल गई हो जिसकी मैं गवाह ना हूं, मैं अपने रब से तौबा करती हूँ। ऑनियर बैठी हूँ, अगर मुझे मौत आ जाए
तो तौबा के साथ आए। तौबा करो आप लोग, तौबा करो, ये सच है या झूठ है? तुम लोगों ने मरना है, तुम लोग कोई नहीं होते किसी को ये कहने वाले, ये जो है ये बच्ची उसकी है, ये उसकी है। सीधा सीधा तुम लोग कह रहे हो कि बाप के साथ, मतलब क्या मतलब है तुम लोगों का? सितारा कोई इतनी वेली है कि मतलब वो हर टाइम अफेयर चलाती है? पारसा भी तुम लोगों, बस कौन हो तुम लोग जाहिल लोगों, कौन हो तुम लोग? हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो। सितारा साजिद से इतनी डरती है कि वो किसी के बच्चे पैदा कर लेगी और तलाक नहीं लेगी। अगर उसका सच्ची में किसी से हो ना, उसने तो छोड़ देना है फौरन, उसे कौन रोकने वाला है? कौन है उसे रोकने वाला? सितारा यासीन को, जो वो साजिद से नच रहे उसके साथ। इस तरह की औरतें अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, डिवोर्स ले लेती हैं, जो उसे पसंद हो उसके साथ रहती हैं। डेली के वाकयात हैं ये। हमने वो औरतें भी देखी हैं जिनके बच्चे शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी उनका अगर किसी से अफेयर चलता है तो वो तलाक ले लेती, छोड़ देती हैं हस्बैंड को या मरवा देती हैं। अल्लाह की लाठी बेवाज है, तुम लोगों पे टूटी ना बहुत बुरी तरीके से टूटेगी। अल्लाह बर्बाद करे तुम लोगों को। तुम लोग इतना गंद फैला रहे हो यूट्यूब पे, इतना गंद फैला रहे हो कि मतलब रूह कहाँ पर जाती है यार। ये इस तरह की पोस्टें लगाते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अल्लाह करे तुम लोगों के बच्चों पे आए ये। मत अजमाओ किसी का सबर, मत अजमाओ, मत अजमाओ आप किसी का सबर। हो सकता है वो अल्लाह को प्यारा, हो सकता है गुनाह करने के बाद किसी ने तौबा कर ली हो और तुम लोगों को उसकी आह लग जाए। वो बच्ची अपनी सेम माँ की फोटो कॉपी है, अपने मामू की शक्ल की है। आप फरूख की बच्चियों को तो देखें और इस बच्ची को देखें, कितनी शक्लें मैच होती हैं, और सब बच्चे एक शक्ल के नहीं होते। आप अपने बच्चों को ले आओ, दिखाओ, मतलब तुम लोग शक्ल पे जा रहे हो कि भाई फलां के साथ मिलती है या फलां का बच्चा उसका है। अगर सितारा का होता तो सितारा ने फौरन डिसीजन लेना था, छोड़ देना था, क्योंकि वो पॉलर का काम भी ऑलरेडी करती थी। रुबीना नहीं रही अपने हस्बैंड के साथ, डिवोर्स ले ली। हस्बैंड उसका है ना, आप लोगों ने देखा है, नैना का भी यही है, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रही, उसने दूसरी शादी की। सितारा ही क्यों साजिद के साथ रह रही है ये बताओ? क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग मर जाओ डूब के सालो। अगर सितारा का सच्ची में किसी के साथ इस तरह का होता भी सही, तो उसने तलाक लेनी थी। वहां पे तलाक भी आम है, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं पसंद करते, नहीं रहना चाहते, डिवोर्स गुंजाइश है, और शादी कर लो। किस बिना में तुम लोग ये इल्जाम लगा रहे हो, किस बिना पे? अगर सितारा को साजिद नहीं है पसंद, तो उसने छोड़ देना था, तलाक लेनी थी उसने। मैं बार बार यही बात कर रही हूं। और अपने तुम लोग जो खानदान का तुम लोगों का है ना, वो पता नहीं तुम लोगों का क्या लगता है, वो कहाँ से लाए हो वो पिक्चर और प्रमोट कर रहे हो आगे। हो सकता है मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें आती हों, लेकिन मैं कोई नहीं होती किसी का राज उछालने वाली। मैं कौन हूँ? मैं तो खुद गुनाहगार, मैं दुनिया में रहती हूँ। हर टाइम इंसान के साथ शैतान होता है, गलतियाँ गुस्ताखियाँ इंसानों से होती हैं। तुम लोग खुदा बने बैठे हो ना उज़ बिल्ला, कौन हो तुम दुनिया में, हैं? थब्बा हो तुम लोग मुसलमानों के नाम पे। तुम लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, एक एक औरत को पकड़ के, घरेलू औरत यार, उसको पकड़ के हर दूसरे दिन उसका नया यार बनाते हो तुम लोग।
उसका हर दूसरे दिन तुम लोग उसके ऊपर गंदे वाला घटिया इल्जाम लगाते हो। अभी एक मसला तो सॉल्व होने देते सलमा वाला, लेकिन नहीं, उसको दबाना है, नया लेके आना है। ये तुम लोगों की फितरत में है, कई महीनों से यही कर रहे हो तुम लोग। अल्लाह का अजाब आए तुम लोगों पे, तुम लोग बहुत गंदे वाला इल्जाम लगा रहे हो अपने चैनल पे। अल्लाह करे तुम लोगों को जो जो तुम लोग कमाओ तुम्हारे हराम पे लग जाए पैसे। आमीन। मैं कोई नहीं होती किसी के बच्चों को कहने वाली तुम डीएनए कराओ या ये तुम्हारे बच्चों का बाप है। शादीशुदा औरत, उसके बच्चे हैं, वो अपने घर में हैं, वो किसी को गंदा नहीं बोलती, बुरा नहीं बोलती, सिर्फ अपना ब्लॉगिंग करती है। इन लोगों को फिर भी तकलीफ है, हर टाइम उसके करेक्टर पे बातें करते। तुम लोगों ने वैशी औरत बना दिया उसे, हालांकि वो सिंपल सी लेडी है। अपने गुनाहों से पर्दा उठा के यहाँ पे बताओ ना। हाँ याद आया, तुम लोगों ने भी तो बड़ी गेमें की हैं, ड्रामे किए हैं, लेकिन नहीं चल पाए। तुम लोगों ने तो सिर्फ सितारा के नाम और सितारा के नाम से और सितारा के बच्चों के नाम से भीख मांग के खानी है। अल्लाह के अजाब से डरो, ये चैनल सदा नहीं रहने। और जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में बीमारियां शुरू हो जाती हैं इंसान के जिस्म के साथ। नाजरीन, सितारा यासीन की बेटी 3 साल की, उसका बाप ही बदल दिया हेटरों ने। एक वर्कर लेडी जो काम करती थी, जो अपने पॉलर पे भी काम करती थी, जॉब करती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों रहेगी? अगर इस तरह का कोई मामला है, कोई औरत अगर किसी का बच्चा ही पैदा कर बैठी है तो वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों रहेगी? वो तो छोड़ देगी, वो कहेगी ऑप्शन है हमारे यहाँ, जब मैं इसके साथ नहीं रहती कौन है ये? लेकिन उस बंदी ने बताया कि जब मैं गाँव में थी, लकड़ियाँ जला जला के मेरा बेड़ा गर्क हो जाता था, साज सऊदी अरब में होता था, पंखा नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, बीमार होते थे तो बस पैनाडोल टाइप गोली खा के सुकून कर लेते थे, अच्छा भाई कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे हालात में उसने कहा कि मैंने गुजारा किया है। उस औरत पे ये लोग कह रहे हैं कि बच्ची इसकी जो है नाजायज है किसी और बंदे से। कौन है ये लोग? फितना परस्त लोग। हमारा मानना है कि पहले फितना शुरू होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद जंगें शुरू होंगी, और उसके बाद कयामत आएगी, और ये कयामत से भी नहीं डर रहे। खून के आंसू दिल रो रहा है, कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा। उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी यार, जिन लोगों को ये लोग टैग कर करके भेजते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ ये बकवास कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।